कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल अनएंडिंग एजुकेशन पे। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ये सब बोल कर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, क्योंकि आज का जो हमारा स्टोरी है वो है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस पे, जो क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का तीसरा चैप्टर है। ये जो स्टोरी है वो थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है और थोड़ी लंबी भी है, लेकिन अगर आप मेरे ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेते हो बिना स्किप किए, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट ओवरव्यू के साथ। तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली एक इजिप्शियन किंग के बारे में है जिनका नाम किंग टूट था। उनका पूरा नाम तुतैन खामून था। वो जब 9 इयर्स के थे तभी उन्हें किंग बना दिया गया, लेकिन जब किंग टूट 19 इयर्स के हुए तब उनकी डेथ हो गई एक विस्टीरियस वे में। उनकी डेथ आखिर कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए कई साइंटिस्ट ने उन पे रिसर्चेस किए, तो इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑथर एआर विलियम्स इस स्टोरी को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि जो किंग टूट थे वो एक टीनेजर थे जब उनकी डेथ हो गई। वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे जिन्होंने इजिप्ट पर कई सेंचुरीज तक रूल किया। किंग टूट की डिस्कवरी एक टॉम में की गई इन 1922। टॉम का मतलब मकबरा होता है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आखिर वो होता कैसा है। जब उनके टॉम का डिस्कवरी हुआ तो बहुत ज़्यादा डाउट और स्पेक्यूलेशन थी कि आखिर उनकी डेथ हुई कैसे। मोस्ट प्रोबेबली सभी को मानते थे कि सभी का मानना था कि उनका मर्डर किया गया, क्योंकि उनका डेथ बहुत ही कम एज में हुआ था। अब ऑथर हमें बताते हैं कि किंग टूट के डिस्कवरी के 80 सालों बाद किंग टूट का एक सिटी स्कैन होने जा रहा था, जिससे क्ल्यूज मिल सके, ये पता चल सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। जब किंग टूट के टोब को बाहर वैली से निकाला जा रहा था, जिसे वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, तब अचानक ही मौसम खराब हो गया और तेज विंड ब्लो होने लगी, और वो टाइम था 5th जनवरी 2005 का, जब शाम के 6 बज रहे होते हैं। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फेमस ममी जो कि किंग टूट की थी, उसका पहली बार सीटी स्कैन होने वाला था, जिनकी डेथ अराउंड 3300 ईयर पहले हुई थी। उस दिन दोपहर को जिस दिन उनका टोम्ब ले जाया जा रहा था, तब टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी लाइन पूरे वर्ल्ड से उन्हें देखने पहुंच गई थी। वो एक रॉक कट टॉम्ब में जिनमें उनकी बॉडी रखी हुई थी, जो कि 26 फीट जमीन के नीचे थी, यानी कि अंडरग्राउंड थी। वहां पे सारे टूरिस्ट उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े थे। उन सभी ने उनके टोम के अंदर के लार्ज पेंटिंग्स को देखा, उनके बरियल चेंबर्स को देखा और किंग टूट के कॉफिन को देखा, जो कि पूरे गोल्ड से बने हुए थे। और मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था उस मम्मी का, वो ये था कि उस मम्मी के कॉफिन के लेड, जो कि पूरा का पूरा मम्मी के शेप में बना हुआ था। कुछ विजिटर गाइड बुक पढ़ रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे, बाकी के कुछ लोग साइलेंटली खड़े होकर ये सोच रहे थे कि आखिर उनकी डेथ
हुई तो हुई कैसे होगी। कुछ विजिटर्स फैरो के कर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो ये था कि अगर कोई भी किंग टुट के बॉडी को डिस्टर्ब करेगा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स थे, जिनका नाम जाही हवास था, वो बोलते हैं कि जो भी खराब कंडीशन हुई है इस मम्मी की, वो हावर्ड कार्टर की वजह से हुई है। वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजर थे और उन्होंने ही 1922 में किंग टुट के टोम्ब को डिस्कवर किया था काफी रिसर्चेस के बाद। अब वो ये बताते हैं कि ये आज तक का रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था जो आज से पहले कभी भी डिस्कवर नहीं हुआ था, जिसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे, वो भी गोल्ड के, और इस तरह के बहुत सारे चीजें थी। किंग टुट के जो टॉम था वो उस टाइम का एक सेंसेशनल डिस्कवरी बन गई थी। इस चीज पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा था। किंग टुट के टॉम के साथ बोर्ड गेम्स, अब ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगार्मेंट्स, केसेस ऑफ फूड और वाइन्स, इस टाइप के चीजें भी रखी गई थी। इनके बारे में महीनों तक रिसर्च चलती रही। इनको रिकॉर्ड किया गया कि इनके फेरोस फ्यूनरी ट्रेजर में क्या क्या था। फिर कार्टर ने 3 नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब उन्होंने पहले कॉफिन को खोला तो उसमें कुछ ड्रेसेस था, उसमें कुछ माला चढ़ी हुई थी, सच एज गार्लैंड ऑफ विलोज, ऑलिव लीव्स, वाइट सिलियरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर की, जो ये बताते हैं कि बरियल का टाइम मार्च या अप्रैल में होगा, क्योंकि ये जो फ्लावर है वो जनरली मार्च या अप्रैल के टाइम में मिलते हैं। और जब कार्टर ने मम्मी पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जब मम्मी को उस कॉफिन में रखा गया था तब उसमें कुछ रिचुअल्स रीजन डाले गए थे ताकि मम्मी खराब ना हो पाए। जब कार्टर ने उस कॉफिन को खोला तो अब जो रीजन थे वो जो कॉफिन के बॉटम में थे वो अब सॉलिड हो गए थे, जिसके कारण जो मम्मी थी वो उस कॉफिन में अटक गई थी। कार्टर के बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस मम्मी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब कार्टर सन के हीट यूज करने की कोशिश करते हैं और उन रेजिन को लूज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो अब कार्टर ने मम्मी की कॉफिन को ब्राइट सनशाइन के नीचे रख दिया, जिससे उस कॉफिन का टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया था, लेकिन उस कॉफिन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो उस मम्मी को तोड़ तोड़ के बाहर निकालेंगे, उनके बचे हुए रिमेन्स को। उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि हो सकता था कि अगर वो उस मम्मी को वहीं छोड़ देते उस रात के लिए तो शायद चोर लुटेरे आते ताकि वहां के गोल्ड को ले सके, और उस गोल्ड कॉफिन को लेने के चक्कर में वो उस मम्मी को और बुरी तरीके से तोड़ देते और उसे वहीं छोड़ के चले जाते। तो इसलिए उन्होंने मम्मी को बाहर निकालने का फैसला लिया। फिर वो बताते हैं कि किंग टुट की फैमिली काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली थी और उनका ये मानना था कि अगर किसी किंग की डेथ हो जाती है
तो उसे अपनी ट्रेजरी लेके जाना चाहिए। और यही सब रिचेस उन्हें मिली थी किंग टूट के टोम्ब में से, जिसमें बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे, जैसे टीसीएस कॉलर, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, सेरिमोनियल एप्रॉन, सैंडल्स, स्नीथ्स ऑफ हिज फिंगर एंड टोज, और आइकॉनिक गोल्ड कॉफिन और मास्क जो कि पूरे के पूरे गोल्ड से बने हुए थे। अब ऑथर हमें बताते हैं कि कार्टर ने मम्मी के सारे मेन जॉइंट से उसे निकालने की कोशिश की, उन्हें उनके हेड को अलग कर दिया और उनके जॉइंट्स को अलग करके उस मम्मी को बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने सारे पार्ट्स निकाल लिया तो उन पार्ट्स को एक जगह रिजेंबल कर लिया एक वुडन बॉक्स में जिसमें सैंड भरी हुई थी, ताकि उनके पार्ट्स और ज़्यादा डैमेज ना हो सके। तो दोस्तों, आज का हमारे इस चैप्टर को हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा लंबा हो रहा है और मुझे पता है कि वीडियो देखते देखते आप लोगों को बोर लग रहा होगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Through the highways, till my shadow turns to sun rays and I...